वहां सामने ही एक बड़ा सा पीपा आधा काट कर रखा हुआ था। वहां थोड़ा रिक्त स्थान था, उस पिंजरे में इतनी भीड़ थी, लेकिन मेरे कोने में भीड़ कुछ कम थी, इसलिए मुझे बिस्तर बिछाने की सहूलियत दी गई थी। परंतु इतने में सड़ी हुई दुर्गंध का इतना तीव्र भपकार आया कि नाक सड़ गई। मैंने जोर से अपनी नाक बंद कर ली। यह देखकर एक निकट के साथी ने उस उजाले में पीपा की तरफ इशारा किया। मैंने देखा तो वो पीपा रात भर पशुओं के शौच कूप के लिए काम आने वाला था। मन कसम साया, हाय हाय, यह तो जीवित नरक यातना भोगना है। परंतु इतने में विवेक ने कहा, अरे बावले, यही तो सत्य है। यह तुम्हें विशेष सुविधा मिल गई है तो इसका विशेष उपयोग क्यों नहीं करते? जाति पाति, गोत्र, पंथ, इस सब का अहंकार चकनाचूर करने के लिए परमेश्वर ने ही तो यह संकेत नहीं दिया है? इस विशेष सुविधा का विशेष उपयोग करो।